हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक एडिटिंग पीसी बनवाना चाह रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मुझे अपने पीसी में कौन सी चीजें लगानी चाहिए कौन सी चीजें नहीं लगानी चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये एडिटिंग बीस्ट जो है ये किस तरीके से बनवाया और कितने प्राइस में बनवाया, तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप एडिटिंग पीसी बनवाना चाह रहे होंगे तो उसमें सबसे मेन जो हार्ट होता है वो होता है उसका सीपीयू, यानी कि उसका प्रोसेसर। यानी एडिटिंग जो पीसी है इसमें हमने i7 12th जनरेशन का के सीरीज का सीपीयू यानी कि प्रोसेसर लगवाया है, i7-12700K, ये इसका मॉडल नंबर है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको Amazon या जहां पर भी चाहें आप चेक कर सकते हैं। ये फिलहाल हमने लोकल मार्केट से लिया है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको ये ऑनलाइन लेना चाहिए या लोकल मार्केट से लेना चाहिए, जहां से आपका बजट प्रीफर करता है आप वहां पर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले CPU में हमारा जो मदरबोर्ड है ये हमने लगवाया है आशुष का प्राइम Z690M प्लस 4D। ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है और इसमें जो स्लॉट्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। आप चाहें तो एक बार इसको ऑनलाइन चेक ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसमें 3 साल की वारंटी है और ये सब चीज़ तो आपको आई थिंक पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें लगाई हुई हैं। इस पीसी में हमने 32GB का रैम लगाया हुआ है। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूँ तो 1TB का NVMe हार्ड डिस्क लगाया है, जो कि काफ़ी अच्छा हार्ड डिस्क होता है। तो अगर आप चाहें एडिटिंग के लिए तो 1TB या 2TB भी लगा सकते हैं, एटलीस्ट ये आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एडिटिंग के लिए वो होता है दोस्तों इसका ग्राफिक्स कार्ड। तो दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड जो है वो इसमें हमने लगाया हुआ है NVIDIA का 3060, जो कि आज के रेट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड है। और सबसे मजे वाली बात यह है कि ये 12GB का है, 12GB का ये जो ग्राफिक्स कार्ड है तकरीबन हमें 38,000 के आसपास पड़ा है। अभी ग्राफिक्स कार्ड का जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो गया। यही ग्राफिक्स कार्ड अब से कुछ महीने पहले कुछ 80,000 के आसपास में आ रहा था, अभी इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो अगर आप अभी एडिटिंग पीसी बनाने का सोच रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये तकरीबन 38,000 से 40,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका प्रोसेसर जो है वो गर्म ना हो, इसके लिए हमने एंटी लीक का ये एक RGB लिक्विड कूलर लगाया हुआ है, जिसका मॉडल नंबर है गैमेक्स L240A RGB, जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। तो इससे आपका जो CPU है वो काफ़ी अच्छे से कूल रहता है, गर्म होने से ये इसको बचाता है। और दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ लगाया हमने इसमें, जो कि है 650 वाट का एक कूलर मास्टर का हमने इसमें पावर सप्लाई लगाया हुआ है। पावर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सस्ता पावर सप्लाई लगाते हैं और इतनी महंगी चीज़ें आप ले रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, इसीलिए पावर सप्लाई आप काफ़ी अच्छा लगाएं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके अलावा दोस्तों एक कैबिनेट है, जो कि कैबिनेट हमने सिंपल रखा, बहुत हैवी कैबिनेट नहीं है, तकरीबन 3,500 रुपये का एक कैबिनेट है, उससे महंगा कैबिनेट हमको लेना वर्थ नहीं लग रहा था। तो हमने कैबिनेट यहाँ पे बहुत सिंपल वे पे रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल लुक बहुत कमाल का है। अगर मैं 4K एडिटिंग की बात करूँ तो 4K फाइल को बहुत स्पीड से रेंडर करता है और हमने इसमें लेयर टू लेयर यूज़ करके देखा है, अलग अलग लेयर पे वर्क करके देखा हुआ है, काफ़ी इजी और बिना लैग के ये काम करता है क्योंकि इसमें 12GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। ओवरऑल अगर मैं इस वाले पीसी की बात करूँ, मैं इंडिविजुअल सारी चीज़ों का रेट नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं ओवरऑल इस पीसी की बात करूँ तो ये तकरीबन हमें 1,28,000 से 29,000 रुपये के आसपास गया है। मार्केट में आप इन सारी चीज़ों का प्राइस चेक कर लें और अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी इन सारी चीज़ों को मंगा सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो पीसी बिल्डिंग के ऊपर कि आप अगर एडिटिंग करते हैं आपको किस तरीके का पीसी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एडिटिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो और अगर आपको चाहिए कि इससे कम बजट में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इससे कम बजट के पीसी के बारे में भी आपको डिटेल ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपका बजट 1,30,000 के आसपास का है तो दिस इज़ द बेस्ट एट द टाइम, ये बहुत ही कमाल का पीसी है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो ऐसी जगह हैं जहां से आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिसमें से एक है school.rajavasthi.com, जिसमें आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकते हैं। यदि आपको एल्बम डिजाइनिंग करना है तो वहां पे हमारे कोर्सेज हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, फोटो एडिटिंग करना है, फोटो क्लिक करना सीखना है, आपको प्री वेडिंग सीखना है, वेडिंग सीखना है, तो ये सारी चीज़ों के कोर्सेज हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वहाँ से हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा
मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो राजा अवस्थी एकेडमी, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जहाँ से भी चाहें, जहाँ से भी आपकी इच्छा हो, चाहे आप वेबसाइट से देखना चाहें या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन से देखना चाहें, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप कोर्स बाय करना चाहें कर सकते हैं। तो ये था हमारी छोटी सी जानकारी। और दोस्तों, अपकमिंग वर्कशॉप की जानकारी हमारे इंस्टाग्राम में आपको मिलते रहती है कि हमारे कौन कौन से वर्कशॉप कौन कौन से सिटीज़ में होने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना चाहिए ताकि आपको इन सारी चीज़ों की भी जानकारी मिलती रहे। इंस्टाग्राम फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं राजा अवस्थी 007 या फिर school.rajaawasthi। तो हमारे दो इंस्टाग्राम हैंडल हैं जहाँ पे आप हमारे सारे अपडेट्स देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।